ये महसी क्षेत्र का जानकी नगर है। यहाँ के लोग बाढ़ से इस कदर परेशान हैं कि अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। पानी का स्तर इस कदर बढ़ा है कि लोग अपने तखत के ऊपर तखत डाल कर रह रहे हैं। खाना पीना उनका दुश्वार है। सारी फसलें इस यहाँ पर जलमग्न हो गई हैं। जानवर किस तरह देख लीजिए, किस तरह पानी में खड़े हैं। इतनी जगह नहीं है कि यहीं कहीं पर ये बैठ जाएं। यहाँ पर लोग तखत के ऊपर तखत डाल कर रह रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से अपनी ये ज़िंदगी यहाँ पर यापन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की बाढ़ से इनको तकलीफ है। क्या नाम है चाची आपका? किरण। ये बताइए कितना पानी है आपके यहाँ बाढ़ का? आपके हमारे यहाँ सर कमर भर पानी है। उसमें तखत के ऊपर ईंटा लगाया था और किसी कहूँ कहूँ तखत के ऊपर तखत है। कौनी मेर के अपने अपने बच्चों को जियाते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ खाना पीना कैसे बना? खाना पीना कैसे? कौनी मेर के टाइम कुटैम भौरी लगाते हैं और कोनो हमरे यहाँ कोई उजेर की उपलब्ध नहीं है। भेड़ियन की डर है और कोई हमरे यहाँ बड़ी समस्या है, कोई सुनवात ना ही है। यहाँ प्रशासन कुछ मदद नहीं कर रहा? मदद कर रहा है। कौन प्रशासन मदद कर रहा है? जो बारू रहता है उसमें कहते हैं बसे के ठौर नहीं है। प्रशासन कह रहे हैं और वहाँ जाओ तो जंगल में सामान कुरवाए बच्चन को लेके जाओ तो वहाँ भेड़िया लागती हैं। कहूँ यहाँ हमारे यहाँ कोई उजेर की व्यवस्था ना आई है, कोई सुनवाई ना आई है। तो ये बताइए यहाँ पर ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, कुछ लोगों ने अपने घर भी तोड़ दिए हैं। क्या आपने भी तोड़ा है? आपो तोड़ दिया है। हमारे घर में नदी के किनारे काफी दिन हो गई है तो बना रहा है और अब नदी के किनारे नजदीक आएगा वह गिर जाता है। हमें तो अपने हाथ से तोड़ा है। कोनी मेर थोड़ा सा ईंटा सड़क पर गांजा है। कोनी मेर पीछे का फिर उसकी दीवार जोड़ाएंगे तो बच्चन को जियाएंगे। और तो साथियों, ये जो चाची थी इनका ये घर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें। पूरी तरीके से ये जलमग्न हो गया है। किसी तरीके से थोड़ा स्थान बचा हुआ है, वहीं पर लोग अंगेठी के अंदर अपना खाना किसी तरीके से बना रहे हैं और बच्चों को अपने जिया रहे हैं। इतनी जगह नहीं है, जानवर बंधे हुए हैं। अब पता नहीं कितनी देर तक ये जानवर इसमें बंधे रह सकते हैं, क्योंकि इनको भी बैठने के लिए जगह चाहिए और ये जानवर भी बीमार हो जाएंगे। यहाँ के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, बेहाल हैं। किस तरह देख लीजिए पानी कहाँ तक आ चुका है। ये जो तखत रखा हुआ है, ये तखत के ऊपर तखत रखा हुआ है, ये एक तखत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नीचा स्थान है, इसलिए ये तखत के ऊपर तखत रख के किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंदर की स्थिति देख लीजिए, लोगों के आटे गल्ला जो है किस तरह से ऊपर रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी और आएगा, अब वहाँ देखिए गल्ले के ऊपर भी पानी आने लगा है। थोड़ा सा पानी और आएगा तो इनका अनाज भी ख़राब हो जाएगा। किस तरह ये खाएंगे पिएंगे? जो खेत पात हैं वो पहले से ही सब जल में कट चुके हैं। धान की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, गन्ने लगे थे बर्बाद हो गए हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किस तरह की बाढ़ की समस्या है आपके यहाँ? साहब बाढ़ बहुत ज़्यादा हो गई है और कोई यहाँ उन्हें व्यवस्था कोई नहीं है। और साहब बहुत सा घर नदी में गिर गए हैं। फसलें लगी थी, फसलें लगे उन्हें बेड़ हो गए हैं। धार में बेड़ हो गई हैं और यहाँ कोई व्यवस्था ना है। बहुत बड़ी समस्या है। बगल भर कहाँ भर पखौरा भर पानी। अच्छा ये बताइए, ये जानवर जो बंधे हुए हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, तो ये जानवर कितनी देर से इसे ही खड़े हुए हैं? ये साहब जो है कल आज 24 घंटा 48 घंटा हो गए पानी में खड़े हुए। तो ये जानवर तो ऐसे बीमार हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, बहुत व्याकुल हैं, रात भाग रहे हैं। साहब क्या ऐसे ही स्थिति रही तो क्या करेंगे? पकड़ लाए साहब जूता गड़े हो जो बनाते हैं और गाड़ते हैं, रोकते हैं, अब जो है उखाड़ भाग जाते हैं। तो साथियों, ये जानकी नगर के ग्रामीण हैं, परेशान हैं। यहाँ पर सैकड़ों ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोग अपने हाथों से अपने आसियाने को तोड़ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी गंगा मैया कब मानती हैं और बाढ़ से इन लोगों को राहत मिलती है। महसी क्षेत्र के जानकी नगर से लोकल 18 से बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।